पैसे की बर्बादी है लेकिन क्या जी पैसे की बर्बादी का। यार बहुत तेज ठंड हो रही है, सुबह सुबह अब तो बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि बिस्तर के अंदर दबे रहो, बिल्कुल सुकून मिलेगा, गर्माहट रहेगी। भाई साहब अभी थोड़ा धूप आ गई तो छत में आ गया, नहीं तो जब ब्रश कर रहा था तो धूप नहीं थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि हाथ कांप रहे थे। फिर भी ठंडे ठंडे पानी में मुंह धुला, भाई उसका मज़ा ही अलग होता है ठंडे पानी में मुंह धुलने का। मैं 6:30 बजे करीब उठ गया था, नींद खुल गई थी भाई, नींद ही नहीं लग रही थी, जल्दी सो गया था रात में, तो 6:30 बजे करीब उठ गया, फिर मुंह धोया, फ्रेश हुआ और फटाफट से अभी उठा लाए हैं चाय मम्मी के हाथों से, गर्मा गर्म। मम्मी भी उठ गई थी तो बना दी है चाय, फिर पीते हैं चाय और देखते हैं क्या सब होता है दिन भर का, करते हैं भाई। अभी भी थोड़ा थोड़ा ठंड लग रही है भाई, खप रहा हूँ, लेकिन ये सूरज है ना, जो सूरज निकल आया है थोड़ा ठंड कम हो गई है, तो उससे राहत है भाई कि थोड़ी गर्माहट मिल रही है। आया तो आग की जगह सूरज पे ही हाथ दे लेते हैं, गर्माहट ले लेते हैं, फालतू बकवास नहीं करते। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं लिटिल खान स्वागत करता हूँ आपका लिटिल खान एल के ब्लॉग में एक सुहानी सुबह में ताजगी भरे दिन के साथ। तो और भाइयों क्या हाल चाल, सब बढ़िया? उठ चुके हैं 6:30 बजे करीब, बज रहा है 7, पी रहे हैं चाय, चलते हैं सुहाने सुहाने मस्त मस्त मौसम में, करते हैं काम और करते हैं दिन की शुरुआत तन मन धन के साथ, गुड फीलिंग के साथ। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बने रहो लिटिल खान एल के ब्लॉग में, क्योंकि एक ही तो लाइफ है, एंजॉय करो यार। तो चलिए चलते हैं सुहाने मौसम में, मस्त मौसम में, ताजगी भरे दिन में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और बैठे हो? ठीक है, बाहर नहा बाथरूम फिराते हैं अब उसका भाई चाय काई नहीं लगी, हम तो धो दी काई काई है वो अपनी, फिर ऐसे ही नहाई था तर मोटा तो कपड़ा पहना। मुझे ना बता दे तो दवाई ले आता हूँ, दवाई आपकी तो लाओ करे ले आते ना जब मैं कह रहा रहा ले आओ ऐसा है। ठंडी होने लगी है यार। हाँ ज़्यादा नहीं हुई, नहीं हो रही ज़्यादा, पिछले वो से नहीं हो रही, जैसे पहले हो कर रखा ऐसे नहीं हो रहे, धूप भी नहीं हो रही, ठंडी ज़्यादा नहीं हो रही, पहले जैसे नहीं हो रही है। अब 7:30 बजे बढ़िया बढ़िया कह रहे हैं। हां तो तुम डटू का छूट गाओ ना, काय खेत में अपन पानी भरो होगा हैं, ये ना कहा तू भरो है, भरो है। हां तो कह रहा है वे भरो, उनके भी तो कार बस्ट ना जी कहूं ना जाई तो लौट भाई ना करी ऐसा पानी है। और उनके में तो बात में तो घोसा घोसा नहीं तो, और उनके में उनके में सोई नहीं घोसे, उनके में नहीं घोसे, नहीं हो पूरे अच्छी है ना धान, अच्छी हो जाता अपने में, अभी बोरा की आई हो तुला बारी बानी भाई, कितने बोरा हुई लगभग नहीं पूछा, राम के सो नहीं पूछा
पानी बरस वो साल की बात छोड़ो के पानी नहीं बरस तो पानी बरस ये बार तो सवाई की अच्छी भैया का ट्रैक्टर भर भर के आ रहे हैं अपने ट्रैक्टर में नहीं डल के आ रहे अपने ट्रैक्टर में आ रहे डल डल के आ रहे ये बार अच्छी भाई है अच्छी भाई है ये साल को हम मेला लगे हाँ है संग का तो है हाँ लगे पैसे की बर्बादी है लेकिन क्या जी पैसे की बर्बादी हमारे उठाते पैसा का झूला ले ड्रैगन ले चाले बाले बहुत पैसा खर्च होता लेकिन नई नई चीजें आए तो वो खरीद रहे या खरीद रहे झूला में चढ़े हैं सोतरा ही नहीं रहे बड़ी दिक्कत मेला खर्चे का घर है तो मेला के लगा था भले एक साल में लेकिन खर्चे का घर चंडी टाइप की हाँ नलक में पानी है खर्च कर पैसा और का बड़ी दिक्कत मेला में खर्चा का घर झूला में चढ़े से उतरा ही नहीं रहे नई नई चीजें आए से नई नई चीजें लेने झुला दे संग के मेल का भैया झुला दे यार एक बार भाई में दिक्कत हार्वेस्टर आना स्टार्ट हो गया भाई खेती किसानी का काम लग गया है धान का कटने हटने का बहुत सारे निकल गए हैं अभी लास्ट था कि बीच का था ये कंफर्म नहीं है किसानी का काम जोरों शोरों से चल रहा है भाई बहुत धान हो रही है इस समय पानी इतना गिरा है ना भाई कि किसान थोड़ा खुश हैं पिछले साल के मुकाबले अब बिक गया भाई कैमरा 6600 का दे दिया 7000 के हरा था वो तो 6600 का मैंने निकाल ही दिया मैंने बोला भाई ले ही जाओ अभी फ़िलहाल चल रहे हैं घर मुर्गा लेके चल रहा है और नहाए भी नहीं है 3 बज रहे हैं हमने सोचा कि नहाते खाना खाते हैं मैं और अतुल जा रहे हैं तो चलते हैं फिर पसीना पसीना भरा भाई सुबह सुबह ठंड होती है और दोपहर टाइम बहुत गर्मी होती है तो नहा के खाना खा के आते हैं और मन शांत करके आते हैं आ गया भाई घर बहुत ज़्यादा मतलब थक गया यार पैदल आने में और ऊपर से धूप ऊपर से गर्मी भाई तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारा बोझ लाद के उधर से आया तो अभी फ़िलहाल मुर्गा तुला के दे दिया है मम्मी को नहाते हैं भाई गर्मी शांत करते क्योंकि पसीने पसीने भरा शरीर हो गया ठंड के मौसम में भी गर्मी लग रही है बहुत ही सोचने वाली बात है पर फिर भी नहाते हैं मन शांत करते हैं और भूख लगेगी तो खाएंगे नहीं तो फिर चाय लेके चलेंगे दुकान अमृत गर्मा गर्म लेके चलना बनता है ना दुकान सबको पिलाना बनता है ना तो चलते हैं नहा के दुकान नहा लिया भैया बढ़िया तरोताज़ा हो गए एकदम चकाचक रेडी हो गए फिलहाल मम्मी ने बना दी है चाय खाना खाने का तो मन नहीं है यार दो पराठे खा के गया था आलू वाले वो भी तो पेट इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि मन हो ही नहीं रहा खाना खाने का तो अभी चलते हैं चाय लेके अमृत लेके दुकान लड़के चले गए हैं पहुँच गए हैं उनको चाय पिलाते हैं अपन पीते हैं अमृत पीते हैं और आनंद लेते हैं चाय का क्योंकि चाय है तो ज़िंदगी है ना फटाफट से चलते हैं चाय निकालते हैं गर्मा गर्म चाय दीपचंद भाई निकाल रहे हैं अपने मासूम मासूम हाथों से धोले कि नहीं चाय जिंदगी चाय मेरे चाय सुकून चाय ही सब कुछ मजा तिरछे में।
अपन चल रहा है आज ट्रैक्टर से, टू व्हीलर की सवारी नहीं मिली है तो ट्रैक्टर की सवारी मिली हुई है। तो बहादुर अतुल और मैं बढ़िया दुकान बंद करके चल रहे हैं ट्रैक्टर से, घूमते घामते मजे लेते हुए ऐश करते हुए, क्योंकि एक ही तो लाइफ है, इंजॉय करो यार। जैसे आपको पता है बढ़िया मौज लेते हुए मजे लेते हुए घूमते घामते हुए जा रहे हैं घर, चलेंगे बस स्टैंड, घूमेंगे दिखाएंगे इंजॉय कराएंगे और फन कराएंगे। साहिल भाई का अच्छा काम मिला गुम्मट होने का। इतनी जल्दी भागा कि ब्लॉग शूट ना कर ले भाई साहब। आ गया। यही है वो शख्स जो गुम्मट होने लगा आजकल जनता से। भाई यार क्या करें, साथ में इसको भी ले लिया है बेचारे अपने भाई को। टाइम हो गया भाई अपनी ड्यूटी का, मतलब पानी भरने का। आ चुके हैं छत में, मशीन कर दी है चालू, भर रहा है पानी। आज खाना खा लिया भाई जल्दी, 8 बज रहे हैं अभी। खेला बढ़िया आधे घंटे करीब खेला, ज्यादा मन नहीं हो रहा था खेलने का तो एक दो गेम बस खेला। फिर मैंने बोला भाई मेरा मन नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ भाई खाना खाऊंगा, भूख भी लगी है जोरों से। तो खा लिया बढ़िया खाना, चिकन बना हुआ था, रोटी बनी हुई थी और चावल बना हुआ था। तो इतना स्वादिष्ट खाना खा के भाई पेट नहीं भरेगा तो क्या भरेगा, तो बढ़िया पेट भर के खाना खा लिया है। अभी भर रहे हैं पानी। और जो कस था तो आज दिन भर का बताया आपको, दादी के साथ जो वार्तालाप हुई भाई, जो बातें हुई वो आज मैंने फिर से शूट की और आज ब्लॉग तरीके से देख लिया भाई कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो फिर पता चले कि एडिट करते टाइम फिर दिक्कत होने लगे। तो पहले ही मैंने चेक कर लिया भाई कि ब्लॉग शूट हुआ है कि नहीं हुआ, बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि तो अभी चलते हैं, ये ब्लॉग करते हैं पर ख़त्म, मिलते हैं आपसे कल नए फ्रेश तरोताज़ा वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि, बने रहिए ऐसे ही लिटिल खानल के ब्लॉग को, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए और बेहतर कंटेंट आ सके और आपका मनोरंजन हो सके। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।